खादी विलेज बोर्ड भाई साहब बैकडोर अपॉइंटमेंट का नया किस्सा 2012 2013 2014 2015 ओके 61 लोगों की भर्ती सारी बैकडोर अपॉइंटमेंट जिसके अंदर ये देखो जो कह रही थी इसकी फोटो भी लाया हूँ प्रूफ भी लाया हूँ इधर ये देखो भाई साहब ये देखो इसका कजन सीएम महबूबा मुफ्ती कजन वाज अपॉइंटेड एज ए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर KVIB विद प्रूफ बात करूंगा। ये लेडी कहती थी 2.5 लाख का प्रूफ दे दो सारे बंदे अपने अपने भर्ती किते जिनी भर्ती हुई सारी अपनी हुई और भर्ती करने के बाद ये बंदा कौन है ये बंदा है अरूट मदनी। ये मदनी कौन है PDP वाइस प्रेसिडेंट का बेटा मुड़ मुड़ के भर्ती करा अपने अनु सारे बंदे अपने भर्ती करें फिर हम सरकार से बोला भैया इसने लास्ट सेक्रेटरी को भर्ती करा लास्ट सेक्रेटरी CID सस्पेक्टिंग डिस्करपेंसी रिपोर्ट कह रही है मैं नहीं शब्द बोल रहा फिर बच्चों को कोर्ट के अंदर जाना पड़ा इंसाफ मिला काट के काट लोगों की जो भर्ती है वो रद्द हो गई लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि इसके इसके जो PDP का वाइस प्रेसिडेंट उसके बेटे को भर्ती किसने करा कौन लोग इसके लिए जिम्मेवार है कौन कौन डिपार्टमेंट के अंदर कमिश्नर सेक्रेटरी लास्ट सेक्रेटरी बट सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे दूसरा प्रूफ फिर लाया हूँ साइंड डॉक्यूमेंट बाहर निकाल रहा हूँ भाई बिल्कुल साइंड डॉक्यूमेंट देखो आप ये जितनी रिपोर्ट है मेरी नहीं है ये देखो साइन डॉक्यूमेंट लिखा अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट अगर उस लेडी के अंदर दम हो वो मेरे इन कागजों को गलत साबित करने का प्रयास करे और मेरे ऊपर डेफामेशन केस फाइल करने का प्रयास करे अरे नौजवानों का हक जिन नौजवानों ने उसी जगह पर लगना था जिन नौजवानों को नौकरियां मिली थी जिन नौजवानों ने अपने बच्चों का अपने परिवार का कैरियर को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करना था उन नौजवानों की जिंदगी को नष्ट नबूद करने का प्रयास एक PDP एन पार्टी PDP के साथ किसकी कोलिजन थी अरे PDP के साथ कोलिजन बनाने वाला तुम भी तो बोल दो यार 2,50,000 बैकडोर अपॉइंटमेंट श्रीमान LG साहब मैंने पहले एक किस्सा निकाला था आपको दिया आज एक विलेज खादी बोर्ड अरे कहते हैं क्लर्क लगाया कहते हैं चौकीदार लगाया अरे महाराज इसने कोई क्लर्क बाय दी आर्डर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट नवीन कुमार चौधरी IAS प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट जब कोर्ट का आर्डर आया फिर कैंसिल करा काट लोगों की अपॉइंटमेंट फिर कैंसिल हुई लेकिन बदमाशी किस किस ने करी किस किस से माध्यम से हुई किस किस के रिश्तेदार लगे कौन कौन इसके अंदर शामिल थे उसके लिए मिस्टर गोयल की एक कमेटी बनाई गई कब बनाई 2019 के अंदर 28/6/2019 अरे गोयल साहब अगर आपने रिपोर्ट दे दी बाहर छाया तो करो श्रीमान LG साहब वो रिपोर्ट जिसमें ये दिखाया जाए कौन कौन लोग इसके अंदर शामिल है कौन कौन दोषी है उनको अपने पदों से पदमुक्त करने का प्रयास किया जाए